तो अर्थराइटिस के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उनको ना तो रेस्ट फेज में जाना है, ना उनको ओवर एक्सरसाइज फेज में जाना है। सबसे पहली चीज ये है कि जो नहीं करनी चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, सभी अर्थराइटिस को एक जैसा समझते हैं और सभी अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी एक तरह से ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि आपको अर्थराइटिस है किस टाइप का, आपको अर्थराइटिस क्यों हुआ है, आपका अर्थराइटिस आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। क्योंकि हर अर्थराइटिस की पैथोलॉजी का अलग तरह का समाधान है। सबका समाधान एक तरह का नहीं है, सबकी चिकित्सा एक जैसी नहीं है, सबके लिए मेडिसिन एक जैसी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है जो अर्थराइटिस और पेशेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरी मेन चीज अर्थराइटिस के पेशेंट को, जो आपके आसपास के भाई बंधु, आपके दोस्त, भाई बहन, घर वाले आपकी चिंता को देखते हुए, आपके दर्द को देखते हुए आपको सलाह दे देते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, या आपके आसपास के लोग आपको सलाह देंगे आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, थोड़ी रनिंग किया करो, थोड़ी जंपिंग किया करो, थोड़ा सा जॉगिंग किया करो, आपका अर्थराइटिस में आराम मिलेगा। तो अर्थराइटिस के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि उनको ना तो रेस्ट फेज में जाना है, ना उनको ओवर एक्सरसाइज फेज में जाना है। मींस नो एक्सरसाइज भी उनके लिए खतरनाक है, ओवर एक्सरसाइज भी उनके लिए खतरनाक है। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, नो योर लिमिट्स। आपको आपके बल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपका बल कितना परमिट करता है आपको एक्सरसाइज करने के लिए। आपको अपने बल के अकॉर्डिंग, अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि अर्थराइटिस में ओवर एक्सरसाइज करने से, ओवर यूज करने से नुकसान होता है। अगर आप कोई यूज नहीं करेंगे ज्वाइंट्स का, ज्वाइंट्स की मोबिलिटी नहीं करेंगे, ज्वाइंट्स को मूव नहीं करते रहेंगे, तो भी आपको नुकसान होगा। तीसरी मेन चीज आती है रैंडम ट्रीटमेंट्स, रैंडम मेडिसिंस। जहां मैं रैंडम ट्रीटमेंट्स और रैंडम मेडिसिंस की बात करता हूं, वहां दोनों चीजें आती हैं, ओवर ट्रीटमेंट एंड अंडर ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात करूं अंडर ट्रीटमेंट की, क्योंकि उस कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा हैं। कैसे? किसी आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके समक्ष एक भाई साहब आएंगे तो आपको बोलेंगे अरे ये दर्द तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं, ये दर्द कोई बात नहीं, दो दिन एक्सरसाइज कर लेते हैं, अरे हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी रहता, थोड़ा सा बाम लगा लेता हूं, तेल लगा लेता हूं, ठीक हो जाएगा। तो अंडर ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक है। इस अर्थराइटिस को हल्के में नहीं लेना है। अगर इस अर्थराइटिस को हल्के में लेंगे तो भविष्य में यही आपके लिए भयंकर समस्या बन के आपकी जिंदगी में खड़ा हो जाएगा। अंडर ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद करता हूं बात ओवर ट्रीटमेंट की। आपने आज एक पेन किलर खाई, आपको दर्द में अच्छा लगा, उसके बाद आपने सोचा डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जब दर्द हुआ पेन किलर खाते चले गए। तो ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स दो तरह से नुकसानदायक है। पहला तो शरीर में जाके जो नुकसान करेगा वो तो करेगा ही। दूसरा मेन नुकसान जो कि दिखता नहीं है सामने लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो क्या है? आपने अभी पेन किलर का सेवन किया, आपका दर्द चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तक जिस जोड़ को आप मूव करने में सक्षम नहीं थे, अभी पेन किलर खाने के बाद दर्द तो हो नहीं रहा है, आप उस ज्वाइंट्स को ओवर यूज करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपको दर्द का महसूस नहीं हो रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा कि इस घुटने में दर्द भी था, इस जोड़ में भी थोड़ी देर पहले दर्द था, वो महसूस होना बंद हो गया है। तो क्या होगा, आप उस ज्वाइंट को ओवर यूज करेंगे और जैसे ही पेन किलर असर खत्म होगा तो जो जोड़ आपने ओवर यूज किया उस पेन किलर के इफेक्ट में, उसमें डीजनरेशन और ज्यादा होगी, उसमें और ज्यादा टूट फूट हो गई, उसमें और ज्यादा सूजन आ गई। तो क्या होगा, आपको जब उसका असर खत्म होगा दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, पैथोलॉजी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज को कभी नहीं करना है, रैंडम ट्रीटमेंट्स कभी नहीं करने हैं, अंडर ट्रीटमेंट ओवर ट्रीटमेंट कभी नहीं करना है। उसके बाद मुख्य चीज आती है कि जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट को सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो याद रखनी है कि उनको अपना वजन कभी नहीं बढ़ने देना है, अपने वजन का खास ख्याल रखना है। क्योंकि अब आपके पास जोड़ों में वो ताकत नहीं रही है, आपके जोड़ों में प्रॉब्लम आ गई है। हम बोलते हैं हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का वेट बियर करते हैं, तो उनका वजन कम करने में ही जोड़ों के ऊपर कम से कम दबाव पड़े, आपको अपना वजन कम रखना बहुत जरूरी है। तो अपना वजन कभी ना बढ़ना दे। खाने में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग अर्थराइटिस के अकॉर्डिंग आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे रूटेड अर्थराइटिस में बोलते हैं कि दही मत खाएं, ठंडी चीजों का सेवन ना करें, किसी को गाउटी अर्थराइटिस होगा तो बोलते हैं ऐसी चीजें मत खाएं जिससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। लेकिन एक कॉमन रूप में देखें तो आपको शुगर वाली चीजें, जिसमें ज्यादा मीठा होता है, शुगर, ऐसी चीजें कम खानी चाहिए।
आपको ज्यादा नमक वाली चीजें कम खानी चाहिए। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाएं जो ज्यादा मीठी हो या मीठा हो, जिसमें ज्यादा नमक हो, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को स्पीड अप करती हैं, आपके वजन को बढ़ा सकती हैं, आपके सूजन को बढ़ा सकती हैं, आपके ज्वाइंट में पानी एकत्रित हो, ऐसा हो सकता है, तो ऐसी चीजें कम खानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्थराइटिस के पेशेंट को कभी नहीं करनी चाहिए। तो अर्थराइटिस का पेशेंट अगर चाहता है कि वो अर्थराइटिस से लड़ना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अर्थराइटिस से मुक्त हो जाऊं, अपना जीवन जी सकूं, तो ये सब चीजें तो उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अंत में एक बात बोलना चाहूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है, शायद उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको ना दिखे, आपको लगे ये क्यों जरूरी है, लेकिन ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से अगर आप इसे मुक्त होना चाहते हो तो बहुत जरूरी है। वो है, एक तो सिर्फ पेन पे फोकस नहीं करना है, हाय दर्द हो गया, अरे मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, अरे मेरे तो सारे दिन दर्द होता है, मानता हूं दर्द होता है, सहन नहीं होता है, वो समस्या बन चुका है, बस स्टिल अगर उसे लड़ना है तो दर्द में फोकस करना बंद करना है। दूसरी तरफ से अपना नेगेटिव एटीट्यूड, मींस अर्थराइटिस हो गया, अब कोई आए भाई साहब उन्होंने बोल दिया तुम्हें तो जोड़ों दर्द में गठिया हो गया, अब तुम क्या करोगे जिंदगी भर, उस नेगेटिव एटीट्यूड को अपने पास नहीं आने देना है कि हाय मुझे तो अर्थराइटिस हो गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें जिंदगी भर दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा, अब तुम्हें जिंदगी भर दर्द के साथ काटना है, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। अगर अपना अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलने के बाद 100% आपको जोड़ों दर्द से मुक्ति दिला सकते हैं, आपको अर्थराइटिस से मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये याद रखना है, पेन पे फोकस नहीं करना और नेगेटिव एटीट्यूड को पास नहीं आने देना ही अर्थराइटिस से आपको जीत दिलाएगा। और जो बाकी चीजें मैंने बताई हैं उनको भी ध्यान रखना है, उन चीजों को हमें जिंदगी में नहीं आने देना है। धन्यवाद।